रात के कुछ 12 बजे होंगे। अभिनव दबे पांव चलता हुआ एक कमरे की तरफ गया। उसने बिना शोर किए हल्के से कमरे का दरवाजा खोला और चुपके से झांकते हुए कमरे के अंदर देखा। अंदर देखते ही उसके चेहरे पर प्यार भरी एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अंदर उसकी एक 12 साल की बेटी दिशा सुकून से सो रही थी। अभिनव ने धीरे से दरवाजा बंद किया और दबे पांव वापस हॉल की तरफ लौटाया। अभिनव एक चेयर पर बैठ गया। उसने टेबल पर रखी लैंप को ऑन किया और टेबल से एक आधी खुली हुई किताब जो कि उल्टी रखी हुई थी उसे उठाया और पढ़ने लगा। डू द डिमन रियली एग्जिस्ट, यही नाम था उस किताब का। अभिनव बड़ी ही गंभीरता से उस किताब को पढ़े जा रहा था। आखिर में उसने टेबल पर रखी कॉफी का कप उठाया और एक सिप ली। उसने जैसे ही कॉफी का कप नीचे रखा उसे कहीं से कुछ आवाजें सुनाई दी, मानो कोई किसी से बात कर रहा हो। अभिनव ने देखा कि सामने खिड़की पर एक लड़की खड़ी किसी से बात कर रही है। अभिनव सहम गया। वो जल्दी चेयर से उठा और लाइट्स ऑन की। वो लड़की कोई और नहीं, उसकी बेटी दिशा थी। दिशा, क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? दिशा कुछ नहीं बोली, वो बस चुपचाप वहां खड़ी रही। तभी अभिनव उसके पास गया। उसने देखा कि दिशा की आंखें बंद है। लगता है दिशा नींद में चलने लगी है, लेकिन ये आदत उसे कब लगी? अभिनव ने खुद से सवाल किया। फिर वो दिशा के साथ धीरे धीरे चलता हुआ उसे कमरे तक ले आया। फिर कमरे के पास पहुंचकर अभिनव ने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला उसने देखा कि दिशा तो अपने बेड पर ही सोई हुई है। ये देखकर अभिनव के चेहरे से जैसे हवाइयां उड़ गई। अभिनव ने तुरंत कमरे के बाहर देखा, वहां कोई लड़की नहीं थी। अभिनव बहुत घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब सच है या फिर कोई भ्रम। अगर दिशा अपने कमरे में है तो वो लड़की कौन थी जिसे मैं अंदर लेकर आया, और वो कहाँ गायब हो गई? लगता है ये सब मेरा भ्रम है, ये सब वो बुक पढ़ने का नतीजा है। अब से मैं रात में कभी हॉरर बुक्स नहीं पढ़ूंगा। अभिनव ने अपने आप को समझाया। फिर उसने दोबारा दिशा के कमरे के अंदर देखा। दिशा अभी भी बेड पर सोई हुई थी। तभी अभिनव की नजर बेड के बगल में खिड़की पर पड़ी। अभिनव ने देखा कि कोई औरत खिड़की के पास खड़ी लगातार दिशा को ही घूरे जा रही है। अभिनव उसे देखकर बहुत डर गया। फिर वो औरत अभिनव की तरफ घूम गई और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। अभिनव ने डर के मारे कमरे की लाइट्स ऑन की। लाइट्स ऑन होते ही वो औरत अचानक गायब हो गई। अभिनव ने तुरंत दिशा को जगाया। दिशा बेटी, जल्दी उठो, हमें जल्दी यहां से जाना होगा। अभिनव दिशा को लेकर रात में ही निकल गया। न जाने वो उसे कहां ले जाना चाहता था। वो बस तेजी से कार चलाए जा रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर समाया हुआ था। उसने कार के रियर व्यू मिरर को दिशा की तरफ किया और जैसे ही मिरर में देखा, पीछे दिशा के साथ वो औरत बैठी हुई थी। उसका चेहरा इतना भयानक था कि अभिनव उसे देखकर बुरी तरह डर गया और डर के मारे उसका चेहरा पसीने से तरबतर हो गया। वो एक भयानक आत्मा थी। अभिनव पीछे देखकर बोला, तू यहाँ क्यों आई है? आखिर तुझे क्या चाहिए? मैं अपनी बेटी को ले जाने आई हूँ। ये सुनकर अभिनव हक्का बक्का रह गया। इतने में अभिनव की कार एक पेड़ से जा टकराई। अभिनव शहर में अपनी पत्नी वैशाली और अपनी बेटी दिशा के साथ रहता था। वैशाली अभिनव के ही गांव माधवगढ़ से थी। वो अभिनव के पिता किशन के दोस्त राम सिंह की बेटी थी। अभिनव ने अपने माता पिता के फैसले का सम्मान करते हुए बिना किसी शिकायत के वैशाली से शादी कर ली और उसे शहर ले आया। दोनों की जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर दिशा के पैदा होने के बाद जैसे सब कुछ बदल गया। वैसे तो हर माँ को अपने बच्चे से लगाव होता है, लेकिन वैशाली को दिशा से कुछ ज्यादा ही लगाव था। वो हर वक्त उसे अपने आंखों के सामने देखना चाहती थी। उसके मन में हर समय दिशा को खोने का डर समाया रहता था, इसलिए वो कई बार अपने घर में तांत्रिक को बुलाकर पूजा करवाया करती थी।
ओम सिम होम क्रीम श्रीम चामुंडाए विच्चै ओम सिम होम क्रीम क्रीम चामुंडाए विच्चै ओम त्र्यंबकम यजामहे ओम त्रिम क्रीम क्रीम चामुंडाए विच्चै। एक दिन अभिनव ऑफिस से घर लौटा। वैशाली हॉल में ही बैठी हुई थी। अरे वैशाली, दिशा कहीं नहीं दिख रही है, कहाँ है वो? देखो मैं उसके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, तुम उसे बताना मत, मैं सरप्राइज दूंगा उसे। वैसे कहाँ है वो? जी वो हमारे कमरे में है। अच्छा ठीक है, मैं उससे मिलकर आता हूँ। अभिनव कमरे की तरफ गया। उसने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, अंदर देखकर वो हक्का बक्का रह गया। कमरे की बेड पर दिशा रस्सियों से बंधी हुई थी, उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। अभिनव ये देखकर घबरा गया। उसने जल्दी दिशा की रस्सियां खोली और पूछा, बेटा ये कैसे हुआ, किसने किया तुम्हारे साथ ऐसा? दिशा रोती हुई बोली, पापा ये माँ ने किया है, मैं बाहर खेलने जाना चाहती थी लेकिन उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया, उन्होंने मुझे बहुत मारा और रस्सियों से बांध कर यहाँ बंद कर दिया। ये सुनते ही अभिनव गुस्से से आग बबूला हो गया। वो दिशा को लेकर वैशाली के पास आया। वैशाली तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अपनी बच्ची के साथ ऐसी हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? ये बेचारी तो बस बाहर खेलना चाहती थी और तुमने इसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया। अभिनव के इतना गुस्सा होने पर भी वैशाली के चेहरे पर एक मुस्कान थी। अभिनव मैंने तो दिशा की जान बचाने के लिए ऐसा किया है, तुमने बाहर नहीं देखा कितनी ट्रैफिक है? अगर खेलते खेलते दिशा गाड़ियों के पास चली जाती और कोई बड़ी सी गाड़ी उसे कुचल कर निकल जाती तो हमारी बच्ची तो मर जाती ना, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। बेटी मुझे माफ करना, तुम्हें ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई? वैशाली की बात सुनकर अभिनव को बहुत बड़ा झटका लगा। वो वैशाली से कुछ नहीं बोला और दिशा को लेकर अंदर चला गया। ये सब देखकर अभिनव समझ गया था कि वैशाली की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो वैशाली और दिशा को कुछ दिन के लिए अपने गांव माधवगढ़ ले आया ताकि गांव में रहकर वैशाली का स्वभाव पहले जैसा हो जाए। गांव में दिशा के दादाजी किशन अपनी पोती को देखकर बहुत खुश थे और दादी माँ आशा तो दिशा को अपनी गोद में बिठाकर प्यार किए जा रही थी। बेटा तूने बहुत अच्छा किया जो हमारी पोती और बहू के साथ यहाँ चला आया, तुम्हें देखने के लिए हमारी आंखें तरस गई थी। अच्छा बेटा तू कुछ दिन तो यहाँ रुकेगा ना? हाँ माँ कुछ दिन तो रुकूंगा, इसी बहाने वैशाली भी अपने माता पिता से मिलाएगी। बेटा ये बिल्कुल सही किया तूने। माँ देखो अब बातें तो बहुत हो गई, इतने लंबे सफर के बाद हमें बड़ी भूख लग रही है, चलिए चलकर खाना खा लेते हैं। हाँ बेटा चलो, आज मैंने तुम सबके पसंद का खाना बनाया है। सभी लोग इसी तरह खुश थे। फिर अगले ही दिन वैशाली दिशा को लेकर अपने माता पिता के घर चली गई। दिशा गांव आकर बहुत खुश थी लेकिन वैशाली अब भी नहीं बदली थी। वो सभी लोगों से छुपकर दिशा को गांव के तांत्रिक बाबा के पास लेकर जाती थी और पूजा पाठ करवाती थी ताकि उसकी बेटी कभी उससे अलग ना हो सके। कुछ दिन बाद वो अभिनव के पास लौट आई। अभिनव को अब लगने लगा कि वैशाली का स्वभाव अब अच्छा हो गया है, इसलिए वो बेफिक्र हो गया। आधी रात हो चुकी थी, सभी लोग सो रहे थे, अभिनव अपनी बेटी और पत्नी के साथ सोया हुआ था कि तभी अचानक अभिनव की आंख खुली। उसने देखा कि वैशाली और दिशा बेड पर नहीं है। वो परेशान हो गया और उन्हें आवाज लगाने लगा। तभी उसने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। वो जैसे ही बाहर गया उसने देखा कि वैशाली और दिशा कुएं के बिल्कुल पास खड़े हैं। दिशा के हाथ पैर रस्सियों से बंधे हुए हैं, उसका मुंह कपड़े से बंधा हुआ है जिससे वो मदद के लिए आवाज लगाने की कोशिश कर रही है
लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही है। वैशाली दिशा को पकड़कर कोई मंत्र पढ़ रही है। अभिनव समझ गया कि वैशाली दिशा के साथ क्या करने वाली है, लेकिन इससे पहले कि अभिनव कुछ कर पाता, वैशाली दिशा के साथ कुएं में कूद पड़ी। अभिनव ने आव देखा नताव और उन्हें बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा। लेकिन जब अभिनव रस्सी के सहारे कुएं से बाहर आया तो उसके साथ सिर्फ उसकी बेटी दिशा थी। वो चाहता तो किसी को आवाज देकर वैशाली को भी बचा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और वैशाली को मरने के लिए छोड़ दिया। अभिनव की कार का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें अभिनव के साथ उसकी बेटी दिशा की भी मौत हो गई। उस कार के पास ही वैशाली की आत्मा अपनी बेटी दिशा के साथ खड़ी हुई थी। बेटी, अब तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर पाएगा। रात का समय था और पूना से मुंबई जाने वाले रोड पर खूब सारा ट्रैफिक। एक गाड़ी ट्रैफिक को देखकर दूर से ही शॉर्टकट ले लेती है। कार में एक जवान लड़का बैठा है और उसके बराबर वाली सीट पर और पीछे वाली सीट पर दो बड़े से कार्टन रखे हैं। अचानक गाड़ी चलाते हुए वो देखता है कि कोई सामने खड़ा है। जैसे ही गाड़ी और पास आती है, वो देखता है एक लड़की लिफ्ट मांग रही है। वो गाड़ी रोकता है और लड़की से पूछता है, जी बोलिए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? वो दरअसल मेरी गाड़ी खराब हो गई है और इस रास्ते पे कोई आता जाता भी नहीं दिखाई दे रहा है। क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? कहाँ जाना है आपको? मुंबई। अरे वाह, मैं भी मुंबई जा रहा हूँ। आप पीछे बैठ जाइए। ठीक है। लड़की पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। काफी सुनसान सड़क है ये, लोग अक्सर इस सड़क से नहीं जाते, कहते हैं ये हॉन्टेड है। और आप मानती हैं? हाँ, मैं मानती हूँ कि जो हमने नहीं देखा वो हो भी सकता है। लगता है आप भूत प्रेत में नहीं मानते। बिल्कुल नहीं, साइंस का जमाना है। तो फिर तो आप भगवान में भी नहीं मानते होंगे। बिल्कुल नहीं, मैं नास्तिक हूँ। अचानक से गाड़ी को बहुत तेज झटका लगता है और पीछे वाले कार्टन के अंदर से एक नोटबुक बाहर निकलकर गिर जाती है। क्या हुआ? अरे वो ब्रेकर था, दिखाई नहीं दिया। पता नहीं कैसे, ऐसा लगा जैसे अचानक से ही आ गया हो सामने। लड़की बॉक्स से बाहर निकली नोटबुक को देखती है और जो उसके ऊपर लिखा है उसको जोर से पढ़ने लगती है। दुनिया के सबसे प्यारे पापा। वाह, तो ये आपके बच्चों ने लिखा है। अरे नहीं, ये मेरे दोस्त की गाड़ी है, मेरी तो शादी भी नहीं हुई अभी तक। अच्छा, वैसे ये नोटबुक देखकर याद आया कि लोग ऐसा बोलते हैं कि यहाँ रात में जो चुड़ैल दिखती है उसके बच्चों को किसी ने गाड़ी से मार दिया था, इसलिए वो रात में यहाँ चलती गाड़ियों के सामने आ जाती है, इसीलिए कोई यहाँ गाड़ी नहीं रोकता। पर तुमने तो रोक दी थी। क्या मतलब? मतलब अगर वो चुड़ैल मैं ही हूँ तो? तुम वो चुड़ैल कैसे हो सकती हो? जब मैंने तुम्हें बोला कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है तो क्या तुम्हें आसपास कोई गाड़ी दिखाई दी? लड़का सोचने लगता है और याद करता है कि आसपास कोई गाड़ी थी ही नहीं। वो सहम उठता है। वो शीशे में देखता है, पीछे बैठी लड़की किसी पागल औरत की तरह बहुत तेज हंस रही है। उसके बाल हवा में उड़ने लगते हैं। डर के मारे वो कांपने लगता है। वो गाड़ी रोककर दरवाजा खोलने लगता है, पर उसके बार बार कोशिश करने पर भी दरवाजा नहीं खुलता और कार का वाइपर अपने आप चलने लगता है। प्लीज मुझे छोड़ दो, जाने दो, जाने दो मुझे।
लड़की फिर से बहुत तेज हंसती है और थोड़ी देर बाद एकदम नॉर्मल हो जाती है। चिल चिल, डरो मत यार, मजाक था, प्रैंक था। मैं रेडियो में काम करती हूँ, ये देखो रिकॉर्डिंग चल रही थी। वो लड़के को अपना फोन दिखाती है, उसमें रिकॉर्डिंग ऑन थी। लड़का चैन की सांस लेता है। अरे वाह, ये कोई तरीका है लोगों को ऐसे डराने का? अरे बाबा सॉरी, पर क्या करें, जनता को हंसाने के लिए करना पड़ता है। अच्छा चलो अब कार चलाओ, मुंबई अभी 1 घंटा दूर है। लड़का गाड़ी चलाने लगता है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता कि मैं मुंबई जा रहा हूँ? ये शॉर्टकट मुंबई ही जाता है, और मैंने तुमसे पूछा भी तो था। और तुमने एक अनजान आदमी की बातों पे भरोसा कर लिया और इस कार में बैठ गई। क्या पता मैं कोई मर्डरर हूँ या कोई भूत? लगते तो शरीफ हो। लड़की अब धीरे धीरे उस पर शक करने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद की आंखों पर भरोसा करे या दिमाग पर। लड़के के एक्सप्रेशंस भी अब पूरी तरह बदल चुके थे। तभी अचानक लड़की के पास रखे बड़े वाले कार्टन से खून की बूंदें उसके हाथ के ऊपर गिरती हैं। घबराहट के मारे उसका चेहरा पीला पड़ने लगता है। ये क्या है? खून और इस बक्से में है लाश। लड़की अब डर के मारे पागल हो जाती है। पसीने से तर होकर वो गाड़ी रुकवाने के लिए बोलती है। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, मुझे उतारो यहाँ, मैं अपने आप चली जाऊंगी। लड़की चलती गाड़ी का दरवाजा खोलने लगती है पर वो नहीं खुलता। डर गई? अरे भाई क्या सिर्फ तुम ही प्रैंक कर सकती हो, मैं नहीं? अरे हाँ भाई, तुमने मुझे इतना डरा दिया था तो मुझे लगा कि अब बदला लेने की बारी मेरी है। अच्छा तो फिर ये खून कहाँ से आया और इस बॉक्स में क्या है? ये खून नहीं है पागल, अनार का जूस है। पॉकेट शायद फट गई होगी और एकदम परफेक्ट टाइमिंग पर फटी है। और इस बड़े से बॉक्स में क्या है? इसमें एसी है। मेरा मुंबई वाला एसी खराब हो गया था तो सोचा दोस्त का एक्स्ट्रा पड़ा एसी लगा लूंगा। बाकी सब तो ठीक है, पर जब मैं दरवाजा खोल रही थी तो खुल क्यों नहीं रहा था? वो मैंने यहाँ से लॉक कर दिया था। पर जब तुम दरवाजा खोल रहे थे तब क्यों नहीं खुला? लड़का सोचने लगता है, क्योंकि तब तो दरवाजा लॉक्ड भी नहीं था। गाड़ी अचानक अपने आप रुक जाती है और बहुत तेज तेज वाइपर अपने आप चलने लगता है। ये क्या हो रहा है, ये तुम कर रही हो क्या? नहीं, मैं कैसे करूंगी ये सब तुम्हारी ही चाल लगती है कोई। तभी अचानक गाड़ी के अंदर से एक बच्चे की आवाज आने लगती है। पापा आई लव यू, मम्मी आई लव यू। कौन है यहाँ, कौन है? आवाज धीरे धीरे और तेज होने लगती है। पापा आई लव यू, मम्मी आई लव यू। पापा मुझे बचाओ, मम्मी मुझे बचाओ, बचाओ। पापा ये मुझे बचाओ। ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? मम्मी,
ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? लड़का हांफते हुए बेतहाशा सड़क पे भागता है। आवाज और तेज होती जाती है और अचानक से गाड़ी उड़ते हुए आती है और लड़के के ऊपर गिर जाती है। वो वहीं मर जाता है। एक छोटे से शहर में समीर और जॉन नाम के दो दोस्त रहते थे। जॉन एक 6 फुट का लंबा तगड़ा आदमी था, वहीं समीर एक छोटे से कद का पतला लड़का। दोनों की जोड़ी साथ में चलते हुए बहुत फनी लगती थी। जॉन की शादी हो चुकी थी और उसकी वाइफ अलीना एक कंपनी के लिए कंटेंट राइटिंग का काम करती थी। एक दिन अलीना को घोस्ट एनकाउंटर्स पर आर्टिकल लिखने का काम मिला। अलीना को इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसने ये बात जॉन को बताई। I'll help you in this. समीर इस मामले में तुम्हारी मदद कर सकता है। मैं उससे बात करता हूँ। हाय समीर मेरे दोस्त, एक काम था। एलेना को एक प्रोजेक्ट मिला है घोस्ट इनकाउंटर्स के बारे में लिखने का, पर हम दोनों को इस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अरे वाह मेरी जान, तुमने एकदम एक्सपर्ट आदमी को कॉल किया है। मैं आज रात ही तुम्हारे घर आता हूँ और ये प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। रात के ठीक 11 बजे समीर एक और आदमी के साथ जॉन के घर पहुँच जाता है। जॉन, ये शिवम है। हम लोग पिछले हफ्ते ही एक पार्टी में मिले थे। इसने मुझे एक गेम के बारे में बताया जिसके जरिए हम भूत बुला सकते हैं और उनसे उनकी कहानी जान सकते हैं। रियल एक्सपीरियंस से अच्छा मटेरियल कहाँ मिलेगा? कौन सा गेम? नहीं, हम ऐसा कोई गेम नहीं खेलेंगे। मुझे बहुत डर लगता है। अरे इसमें डरने की क्या बात है, हम लोग है ना यहाँ पर, और कहानी के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। क्या पता बहुत अच्छी कहानी मिल जाए तुम्हें। शिवम अपने बैग से वीजा बोर्ड और प्लानचेट निकालता है। ये वीजा बोर्ड है। अगर हमारे आसपास कोई आत्मा है तो इसके जरिए हम उससे बात कर सकते हैं। इसमें ए से जेड तक लेटर्स हैं और यस और नो का ऑप्शन है। बस हमें 2 बातों का ध्यान रखना है। कौन सी 2 बातें? पहला ये कि किसी भी आत्मा का अपमान नहीं करना है, और दूसरा ये बिना गुड बाय पे प्लान चैट रखे हमें गेम खत्म नहीं करना है, वरना वो आत्मा कभी वापस नहीं जाएगी। हाँ हाँ, गुड बाय भी बोलेंगे और चाय नाश्ता भी करवा के भेजेंगे आत्मा को। तो चलो शुरू करते हैं। अभी नहीं, ठीक 3:30 बजे स्टार्ट करेंगे। डेविल आर स्टार्ट होता है तब। सारी आत्माएं बाहर निकलती हैं उस टाइम। वही सबसे सही टाइम है बात करने के लिए। ठीक 3:30 बजे सब लोग एक सर्कल में वीजा बोर्ड के चारों तरफ बैठ जाते हैं। सिर्फ एक कैंडल की रोशनी होती है। शिवम प्लानचेट को वीजा बोर्ड पर रखता है। देखो सब लोग अपनी 2 उंगलियां प्लान चत्ते पे लगाएंगे। सभी लोग अपनी उंगलियां प्लानचेट पर रखते हैं और शिवम उसको बोर्ड पर घुमाना शुरू करता है। अगर हमारे आसपास कोई आत्मा है तो जवाब दो, हमें तुमसे बात करनी है। जवाब दो, हमें बताओ कि तुम यहाँ हो।
जॉन हंसने लगता है। लगता है आत्मा चार लोगों को देखकर डर गई। काफी इंट्रोवर्ट आत्मा है। जॉन और समीर दोनों हंसने लगते हैं। अलीना बहुत डर के मारे कुछ बोल नहीं पाती और शिवम को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो किसी ट्रांस में चला गया है। वो आत्मा से बात किए बिना नहीं मानेगा। हमसे बात करो अगर तुम यहाँ हो, बात करो हमसे, बताओ हमें कि क्या तुम यहाँ हो। प्लैनचेट यस पर गया है, मतलब वो यहीं है। बंद कर दो इसको, मैं नहीं खेल सकती। एक बार स्टार्ट कर दिया तो बीच में नहीं छोड़ सकते, वरना बहुत बुरा होगा। एलिना के माथे से डर के मारे पसीना निकलने लगता है। समीर और जॉन भी अब डर के आगोश में आ जाते हैं। शिवम आगे बोलना शुरू करता है। क्या तुम एक फ्रेंडली आत्मा हो? नो, इसका मतलब ये आत्मा एक बुरी आत्मा है। अब सब कुछ काबू से बाहर जाने लगता है। प्लैनचेट अपने आप तेजी से बोर्ड पर घूमने लगता है। वो बार बार जेड और ओ पर जाता है और कैंडल अपने आप बुझ जाती है। घड़ी उल्टी चलने लगती है। ये जोजो कौन है और ये क्या हो रहा है हमारे साथ? हाँ, जोजो दुनिया का सबसे खतरनाक प्रेत है। ओइसा बोर्ड के जरिए उन लोगों के दिमाग को अपने काबू में कर लेता है और फिर कुछ पहले जैसा नहीं रहता। अलीना अचानक उठकर किचन में चली जाती है। मानो जैसे कोई उसे बुला रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कर रही है। इतना डरावना, इतना शक्तिशाली। एलिना का डर अब गुस्से में बदल जाता है। वो चाकू लेकर सीधा कमरे में घुसती है और सीधा समीर के पेट में चाकू घुसा देती है और पागलों की तरह हंसने लगती है। समीर जमीन में खून से लथपथ होकर गिर जाता है। अब वो शिवम की तरफ बढ़ती है। जॉन बोर्ड उठाकर बाहर भागने लगता है। क्या होगा? एलिना लाल आंखें किए हाथ में चाकू लिए शिवम के पीछे भागती है। शिवम बेतहाशा सड़क की तरफ भागता है। बहुत दूर से घूमकर वो वापस घर की तरफ दौड़ता है। अब वो और नहीं भाग सकता। जोजो एलिना के ठीक ऊपर उसके साथ साथ चलता है। ऐसा लगता है जैसे एक साथ 100 भेड़िये रो रहे हैं। बेहद डरावना मंजर। शिवम की नजर वीजा बोर्ड और उसके पास में गिरे प्लैनचेट पर पड़ती है। वो किसी तरह वीजा बोर्ड तक पहुंच जाता है और प्लैनचेट को गुड बाय वाले निशान के ऊपर रख देता है। जोजो, जोजो वापस जाओ, गो बैक। हमसे गलती हुई है, वापस जाओ सोसो, प्लीज गो बैक। उसके बार बार ऐसा बोलने पर जोजो वापस वीजा बोर्ड में चला जाता है। हवाएं अचानक रुक जाती हैं, भेड़ियों की आवाज बंद हो जाती है और अलीना के हाथ से चाकू नीचे गिर जाता है और वो बेहोश हो जाती है। शिवम वीजा बोर्ड को वापस घर के अंदर रख देता है और अलीना को उसके कमरे में लिटाकर वहां से निकल जाता है। जब अलीना बेहोशी से जागती है तो रोने लगती है। अब उसके पास एक कहानी तो है
पर वो अपने पति और एक दोस्त को खो चुकी है।